भारत आदिवासी पार्टी के 84 से उम्मीदवार घोषित किया। इस सीट में अनिल कटारा उम्मीदवार होंगे। पार्टी को जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत चयन हुआ है। बीती रात पार्टी ने सलोम्बर सीट से युवा चेहरे जितेश कटारा के नाम का ऐलान किया था। राजस्थान उपचुनाव में इन दिनों दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और बीएपी के बीच गठबंधन की अटकलों पर ब्रेक लग चुका है। दरअसल इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत और बागीदोरा उपचुनाव से बीएपी के प्रत्याशी जयकृष्ण पटेल को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। इसी समर्थन का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता इस बार सलोम्बर से बीएपी से गठबंधन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को उसके सहयोग दल ने बड़ा झटका दिया। 84 सीट पिछले दो चुनाव से राजकुमार रोत के खाते में गई। हालांकि रोत ने साल 2018 में बीजेपी और 2023 में बीएपी से चुनाव लड़ा था। दोनों ही चुनाव कांग्रेस के वोट बैंक को काफी नुकसान हुआ। बीएपी के उम्मीदवार के ऐलान के बाद एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अगर बात सलोम्बर की करें तो यहां से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा साल 2023 में चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने 52,000 वोट हासिल करने के साथ ही हर किसी को चौंका दिया था। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा की हार की वजह भी उन्हें भी बताया जा रहा था।